जिले में अलग अलग थानों में 10 पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे दर्ज होने के विरोध में आज जिले भर के पत्रकारों ने पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्च के बाद पत्रकारों ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों का कहना है कि पुलिस और प्रशासन प्रभारी मंत्री के दबाव में मीडिया की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है। मीडिया संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर पत्रकारों पर दर्ज फर्जी मुकदमे वापस नहीं हुए तो लखनऊ स्तर पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। मीडिया से जुड़ी इसी बड़ी खबर के साथ आइए शुरुआत करते हैं शाहजहांपुर के सबसे खास बुलेटिन की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बलजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। शाहजहांपुर में पुलिस ने अलग अलग थानों में 10 पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करवा दिए। पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा दर्ज होने से नाराज जिले भर के मीडिया कर्मियों ने आज पैदल मार्च निकाला और मुख्यमंत्री के नाम जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने मांग की है कि मीडिया कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने वाले जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ जांच करके कार्रवाई की जाए। जी सर, जीवियर फैक्ट्री मालिक घनश्याम अग्रवाल ने 2 टीवी चैनल के मान्यता प्राप्त पत्रकारों सहित 6 पत्रकारों पर रंगदारी मांगने का फर्जी मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि यूपी सरकार के एक मंत्री के इशारे पर पुलिस ने यह फर्जी मुकदमा दर्ज किया था। दरअसल पत्रकारों ने फैक्ट्री मालिक की गुंडई की खबर प्रसारित की थी। खबर चलाने पर फैक्ट्री मालिक पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसे नाराज होकर पत्रकारों पर पुलिस और प्रशासन की मदद से उन पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। इसके अलावा एक अन्य थाने में 3 पत्रकारों पर रंगदारी का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। साथ ही एक पत्रकार को गैंगरेप के आरोप में झूठा फंसाया गया। पत्रकारों पर लगातार हो रहे मुकदमों से नाराज जिले भर की सभी पत्रकार यूनियन ने संयुक्त रूप से सभी पत्रकार शहीद उद्यान से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया और नारेबाजी की। पत्रकारों का कहना है कि पुलिस और प्रशासन खबर दिखाने पर बदले की भावना से काम कर रहा है। खबर दिखाए जाने से नाराज फैक्ट्री मालिक ने पुलिस और प्रशासन से मिलकर पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज करा दिया। पत्रकारों का कहना है कि उन पर हो रहा उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर पत्रकारों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो वह एक बड़ा आंदोलन करने को विवश होंगे। फिलहाल पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा और उन्हें आगे बड़ा आंदोलन करने का अल्टीमेटम दिया है। सिंधौली इलाके के गांव बरौरा में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान कई लोग घायल हो गए। दरअसल पूरी घटना आज सुबह की है, जब आकाश नाम का एक युवक खेत से गन्ना भरने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली से जा रहा था। जैसे ही गांव के लालाराम के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां बैठे पालतू कुत्ते को ट्रैक्टर की टक्कर लग गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सिंधौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती करा दिया है। वहीं दोनों पक्षों से आई शिकायत को लेकर पुलिस मामले में जाँच कर रही है। अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर किसान सम्मान निधि में हुए घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। संगठन का आरोप है कि जिले में कृषि विभाग, बैंक और राजस्व विभाग की मिलीभगत से अपात्र लोगों को योजना का लाभ दिलाया गया है। योजना का लाभ लेने वाले किसानों के नाम जमीन भी नहीं है और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके लोगों को योजना का लाभ दिलाया गया है। फिलहाल अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जलालाबाद पुलिस ने आईपीएल में सट्टेबाजी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक अभियुक्त मौका पाकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से 8 मोबाइल फोन और 19,000 रुपए की नकदी बरामद की है। आपको बता दें कि यह गिरोह मोबाइल ऐप के माध्यम से सट्टा लगवा रहा था। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। वहीं इनके फरार साथी की भी सरगर्मी से पुलिस तलाश कर रही है। पैना के त्रिलोकी नाथ मंदिर से दर्शन कर बच्चे के साथ घर जा रही महिला मोटरसाइकिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा सिधौली इलाके के ग्राम रथौली के पास हुआ। यहां बाइक पर सवार महिला की साड़ी मोटरसाइकिल के पहिए में फंस गई। हादसे में महिला और उसका बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंचे परिजनों ने महिला को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि सड़क में गड्ढों की वजह से आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं।
तेलहर नगर के मोहल्ला निजामगंज में रोड का निर्माण कार्य एक बार फिर से बंद हो गया है। ग्रामीणों द्वारा लगातार की जा रही मांग के बाद यहां निर्माण कार्य शुरू हुआ था, कुछ दिन के बाद एक बार फिर से काम बंद हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोई भी जिम्मेदार रुके हुए निर्माण कार्य के लिए जानकारी देने को तैयार नहीं है। आज सिंधौली के मुड़िया मोड़ स्थित लिटिल स्कॉलर कॉन्वेंट स्कूल में शहीद आजम सरदार भगत सिंह की जयंती मनाई गई। विद्यालय प्रबंधक गुलजार सिंह ने देश के लिए शहादत देने वाले शहीद भगत सिंह के जीवन से प्रेरणा लेना ही सच्ची श्रद्धांजलि देना बताया। विद्यालय स्टाफ ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। आज कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने निर्माणाधीन पार्क का निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री ने काकरा खुर्द में गर्रा नदी के किनारे बनाए जा रहे पार्क का निरीक्षण करते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और पुलिस अधीक्षक एस आनंद भी कैबिनेट मंत्री के साथ मौजूद रहे। गड़िया रंगीन पुलिस ने लंबे समय से वांछित चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम मुन्ना उर्फ मनोज है। मुन्ना बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को कार्यवाही के बाद जेल भेज दिया है। जिले में आज कोरोना संक्रमण के 33 और नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 5,549 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 79 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जिसके बाद अब तक स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 4,880 हो गई है। फिलहाल जनपद में 593 लोगों को स्वास्थ्य निगरानी में रखा गया है। आज कस्बा सिंधौली में लगे विद्युत ट्रांसफार्मर में अचानक आग की लपटें निकलने लगी। इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि कस्बा सिंधौली में ब्लॉक मुख्यालय के सामने लगे ट्रांसफार्मर में पहले भी कई बार खराबी आ चुकी है। कस्बा वासियों का कहना है कि ट्रांसफार्मर में आई तकनीकी खराबी को लेकर कई बार विद्युत विभाग को शिकायत की जा चुकी है, लेकिन ट्रांसफार्मर को दुरुस्त नहीं कराया गया। आगामी जिला पंचायत चुनाव को लेकर क्षेत्र में सरगर्मी तेज हो गई है। आज जैतीपुर क्षेत्र में भाजपा नेता अरविंद सिंह, उपेंद्र सिंह, आदित्य विक्रम सिंह समेत कई लोगों ने गांव-गांव जाकर लोगों को भाजपा सरकार की कल्याणकारी नीतियों के बारे में जानकारी साझा की। साथ ही आगामी जिला पंचायत चुनाव के लिए समर्थन की भी अपील की।